आज जो ये मुहिम हमारे जो है चौकी इंचार्ज महोदय की तरफ से, हमारे सुनील भाई तोमर जी की तरफ से, जो मित्र पुलिस उत्तराखंड की है उसकी तरफ से, हमारे लक्ष्मीपुर पट्टी के साथ साथ और क्षेत्रों में भी ये मुहिम चलाई गई है कि जो आदमी नशा करता हुआ पकड़ा जाएगा, नशा करने के बाद मोहल्ले में नाटक करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको जो है नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा, और जो बेचते हुए पकड़ा जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। मैं यहाँ पार्षद के तौर पे खड़ा हूँ, मुझे वोटों की चिंता नहीं है, अपने अपने मोहल्ले के लोगों के परिवारों की चिंता है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। वोट मिले ना मिले, एक भी नशेड़ी को मोहल्ले में रहने नहीं दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हर नशेड़ी जो व्यक्ति है वो एक तरह से बीमार है और उसका जो है उपचार होना चाहिए, और जिसमें अगर हमें पार्षद जी लोग सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनके परिजन की सहमति से हम इनको नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जल्दी स्वस्थ होके आप लोगों के बीच में आएंगे और एक आम जीवन व्यतीत करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, हमारा मकसद ये है कि इसके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में जो बीमारी है, जो नशे की आदत उसको पड़ी हुई है, हम उसको छुड़वाएं। अगर चाहें तो जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन जेल भेज के कोई हल नहीं है जब तक हम इसका इलाज नहीं कराएंगे और इसको सही करके दोबारा घर अच्छी तरीके से वापस लाएंगे और मोहल्ले में ठीक तरीके से ये जिए। हमारा मकसद केवल इतना है। और ये अगर हम नशा मुक्ति केंद्र किसी को भेज भी रहे तो पहले उसके घर वालों से बातचीत की जाती है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसके बच्चों पर नजर रखो, अपने भाइयों पर बच्चों पर नजर रखो, ये किसी गलत एडिक्शन में ना फंस जाए, किसी नशा बुरी में ना फंस जाए, ठीक है? ठीक है, और बाकी जो ऐसे करेगा उसको जो है मिलजुल के उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजना है, कोशिश करना है कि वो अपने जो है अपना जीवन अच्छे से जिए, उसे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, केवल आप लोग हमसे यही उम्मीद करें कि हम केवल उसी को जेल भेजेंगे जो नशे का सामान बेचेगा, जो पिएगा उसको कोशिश की जाएगी कि वो उसमें सुधार आए और वो मुख्य धारा में आए जीवन।